आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले रुक करते एक बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, चिराग के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चाचा पशुपति पारस। महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा सीट भी मांगी है पशुपति पारस ने, तो ये डिमांड है पशुपति पारस का। महागठबंधन से समस्तीपुर और नवादा सीट भी मांगी है पशुपति पारस ने। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। तो आपको बताते चले कि एनडीए से चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं आपको बता दें कि चाचा पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दल अलग होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। ज्यादा जानकारी देंगी संवाददाता विनीता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, क्या कुछ खबरें सामने आ रही है कि चुनाव लड़ने वाले हैं पशुपति कुमार पारस, वो भी हाजीपुर से ही, लेकिन दल अलग हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल लक्ष्मी, उन्होंने पहले भी साफ तौर पर कहा था कि वो स्थानीय वहाँ के वर्तमान सांसद है हाजीपुर के, और किसी भी कीमत पे उनके हाजीपुर सीट चाहिए। हालांकि एनडीए में बात नहीं बनी, एनडीए में हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी गई, और सिर्फ हाजीपुर ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी यानी चिराग गुट को हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया और जमुई भी दे दी गई है। लेकिन पशुपति कुमार पारस लगातार 3 सीटों की मांग कर रहे थे, क्योंकि शुरुआती दौर में उनके साथ 5 सांसद थे, 2 सांसद महबूब अली कैसर और वीना देवी चिराग गुट में शामिल हो गई। ऐसे में अभी उनके पास वो खुद, उनके भतीजे प्रिंस राज और सूरज भान सिंह के भाई यानी सांसद चंदन सिंह भी उनके साथ उन्हीं की पार्टी में है। ऐसे में वो 3 सीटों की डिमांड लगातार कर रहे थे, और साफ तौर पर कह रहे थे कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर की जनता उन्हें प्यार करती है। और एनडीए में बात नहीं बनी, महागठबंधन का वो रुख कर सकते हैं, बातचीत चल रही है और लगभग फाइनल हो गई है कि पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा महागठबंधन में समस्तीपुर और नवादा सीट की भी वो मांग कर रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी डिमांड रख दी है कि उन्हें हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर और नवादा सीट चाहिए। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में समस्तीपुर चिराग के कोटे में है, जबकि नवादा सीट की अगर हम बात करें तो नवादा सीट बीजेपी के कोटे में है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने 3 सीटों की मांग की है, हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि समस्तीपुर अपने भतीजे प्रिंस राज के लिए वो मांग कर रहे हैं, जबकि नवादा सीट चंदन सिंह के लिए वो मांग कर रहे हैं। यानी 11:30 का वक्त है जब वो प्रेस वार्ता करेंगे, आधिकारिक रूप से घोषणा कर सकते हैं कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, ऐलान कर सकते हैं कि वो अलग हो रहे हैं, साथ ही वो इस्तीफा भी देने की जो घोषणा है वो करेंगे। इसके साथ ही साथ महागठबंधन में जो बातचीत चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 सीट हाजीपुर के अलावा समस्तीपुर और नवादा सीट की उन्होंने मांग रख दी है। तो विनीता देखिए, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अब दिल नहीं मिल सकता है, अब दिल नहीं मिलेगा तो दल इनको बदलना पड़ेगा। क्या ये अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो इनकी डिमांड है क्या महागठबंधन की तरफ से वो डिमांड पूरी की जा रही है? बिल्कुल, वो लगातार कई बार ऐसा कहते आए हैं कि दिल नहीं मिल रहे हैं, दल नहीं मिल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान पहले एनडीए से अलग थे, लेकिन एनडीए में शामिल होने के बावजूद इसके पशुपति कुमार पारस अपने बयान, ड्राइवर ने तो किसी तरह कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। गाड़ी में आग लग गई जिसमें कार और मोटरसाइकिल दोनों जलकर राख हो गया। जख्मी व्यक्ति का एनडीए में है पशुपति कुमार पारस, अब महागठबंधन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सीट एक ही है हाजीपुर, और हाजीपुर में दोनों दावा कर रहे हैं चिराग पासवान एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, और पशुपति कुमार पारस लगातार जो ठीक है विनीता, आप नजर बनाए रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और 11:30 बजे का वक्त भी तय किया गया, सभी की नजरें बनी हुई हैं। विनीता आप भी नजर बनाइए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।